सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत एक खुशी की खबर है। सरकारी मुलाजिमों को केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले ही उनको दिवाली का तोहफा दे दिया है। सरकार की कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के 5% दैनिक भत्ता यानी डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 12% से बढ़कर 17% हो गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बढ़े हुए भत्ते की रकम जुलाई 2019 से दी जाएगी। सरकार के फैसले का फायदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स को मिलने की उम्मीद है। वहीं इस फैसले की वजह से सरकारी खजाने पर 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। जावड़ेकर ने किसानों को राहत देते हुए कहा कि वो 30 नवंबर तक किसान सम्मान निधि के लिए आधार नंबर को दे सकते हैं। पहले यह तारीख 1 अगस्त 2019 थी। इस निधि के तहत सरकार सालाना 6,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद छोटे किसानों को देती है। बीते एक साल में यह दूसरी बार है जब महंगाई भत्ता में इजाफा हुआ है। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी महीनों में कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 12% कर दिया था। पहले महंगाई भत्ता 9% मिलता था। तब सरकार ने बताया था कि इस फैसले से देश के खजाने पर 9,168 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। अनेक सालों में 2 या 3% ही ग्रोथ होती थी, इस बार लगभग 16,000 करोड़ रुपए इसके एवज में दिए जाएंगे और इसका फायदा लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख जिनको पेंशन मिलता है उनको मिलेगा। निखिल कुमार के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesari.com। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।